दगड़ियों, जुनियाली उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत। उत्तराखंड में दिन दहाड़े आदमखोर गुलदार के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कल सोमवार 28 नवंबर शाम को द्वाराहाट के मल्ली मिराई के भौरा तोप के ग्रामीण पानी की टूटी पाइपलाइन जोड़ने गए थे, तभी झाड़ियों में छुपे गुलदार ने एक युवक और दो महिलाओं पर हमला कर दिया। महिलाओं पर गुलदार के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। जख्मियों में बंचुली देवी, पुष्पा देवी और सुमित का द्वाराहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। बंचुली देवी का हाथ फ्रैक्चर है और सिर में भी चोट आई है। पुष्पा देवी और सुमित को भी चोटें आई हैं। एक बार फिर देखिए यह दिल दहला देने वाला वीडियो। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी वन विभाग को पिंजरा लगाने के लिए लिखित शिकायत दी गई थी, मगर इसे अनसुना कर दिया गया। अगर ये ग्रामीण अलग अलग होते तो गुलदार किसी एक को जरूर निशाना बना लेता, लेकिन तीन ग्रामीणों को एक साथ देखकर वह एक ही हमला करने के बाद भाग गया। वन प्रभाग को जल्द ही इस गुलदार को पिंजरे में कैद करना चाहिए। उसके नाखूनों पर इंसानी खून लग चुका है। इस नाकाम हमले के बाद यह किसी भी वक्त खूनी वारदात को अंजाम दे सकता है।